music.io. गाइज वेलकम बैक टू द चैनल. मैं हूँ आप सबका यार भाई दोस्त, जो कहना आप कह सकते हैं. और मैं ये यार भाई दोस्त का दोस्त यार जिगरा सूडो. ये मजाक में बोल देते अक्सर लोग, मजाक में कुछ ना कुछ बोल देते, वैसा ही है. नहीं यार लेकिन बहुत सही है. तो अभी हम लोग हैं कोलाबा, एंड कोलाबा में कुछ एक खास इवेंट है. क्या इवेंट है भाई? हाँ भाई, कुछ काला घोड़ा करके है जो हर साल होता है, 9 दिन होता है, जिसमें आर्ट एब्स्ट्रैक्ट ऐसी सब चीज़ें होती है. तो यू नो ये एक काला घोड़ा फेस्टिवल है जहाँ पर पिछले 9 दिनों से कुछ ना कुछ चालू रहता है, और ये टोटल 9 डे का है. एंड आज है लास्ट डे, एंड आज है संडे. तो चलते देखते क्या है काला घोड़ा के अंदर. बाजू आ जा तू. सॉरी ट्रैफिक में सॉरी. बहुत भीड़ होती है यहाँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है. अभी भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है. एक मिनट मैं बैक कैमरा करके बता देता हूँ कि कितनी लंबी लाइन है और कितने सारे लोग हैं. तो चलो यार चलते, पहली फुर्सत में निकलते हैं और देखते हैं आगे क्या हो रहा है क्या नहीं. तो गाइस इन दो लाइनें, एक लेडीज़ की अलग है और जेंट्स की अलग है. तो लगते हैं हर भारतीयों की तरह लाइन में, एंड जेंट्स का इस साइड से. तो जेंट्स का इस साइड से, तो चलते इस साइड से. ये है काफ़ी चेकिंग चालू इधर फॉर सिक्योरिटी पर्पज. भाई कहाँ से आए हो? डोंबिवली. भाई कहाँ से? डोंबिवली. भाई ये तो एक कोई अलग कंट्री है डोंबिवली, तो डोंबिवली से आए ये लोग भाई इतना दूर से. यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग हो रही है. चलो सर थैंक यू. काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ चेक हो रहा है, काफ़ी सारी. अरे डोंबिवली वाले भैया कहाँ गए? अरे यार चले गए. तो कोई बात नहीं, लोग यहाँ काफ़ी दूर से आए हैं, काफ़ी सारी जगह से. एक मिनट पीछे का बता दूँ कि दिख कैसा रहा है क्या भाई. तो दिस इज अ मेन एंट्री गेट. जैसे ही हमने एंट्री मारी, यहाँ एक कोई सा तो भी बोर्ड है. एक मिनट बता देता हूँ, ये बैक साइड, ये जो है ये पूरा शेड्यूल था कि जितने भी दिन का था. मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये हमारा भाई एक्सपर्ट है. भाई जानते हैं ये बोर्ड का मतलब क्या और मीनिंग क्या है. ये बोर्ड का बोर्ड है क्या है ये भाई? ऐसी बात है कि ये जो 9 दिन का फेस्टिवल होता है, तो 9 दिन के फेस्टिवल्स में अलग अलग टाइप्स के, जैसे चिल्ड्रन के लिए अलग है, सिनेमा के लिए अलग है, अच्छा डांस के अलग है, फूड लिटरेचर थिएटर स्टैंड अप कॉमेडी और वर्कशॉप्स तक होते हैं यहाँ. तो उसके लिए सब ये अलग अलग उसका शेड्यूल रहता है. हर एक दिन में 11 बजे से लेकर 6:30 बजे तक इसका शेड्यूल रहता है, जिसमें अलग अलग आर्टिस्ट. कोई नहीं चलते अंदर देखते क्या है काला घोड़ा की खास बात, क्या है इसकी स्पेशलिटी है, और देखते हैं अंदर क्या है. और जैसे मेरे पीछे देख सकते हो ये एक डिज़ाइनर गेट है, घोड़ा यानी घोड़े को रिप्रेजेंट करता है, और ये काला घोड़ा फेस्टिवल है, इसलिए जो एंट्रेंस है वो घोड़े की शेप की बताइए. काफ़ी भीड़ है. पता नहीं ये कुछ तो भी है जहाँ LED लाइट लगी हुई ऊपर, सब देख रहे हैं. लेट्स चेक इन क्या है ये क्या नहीं. ये तो एडिटिंग वाला सीन लग रहा है, तो फ्री में एडिटिंग हो गया ऐसा लग रहा है. भाई साहब क्या है भाई, ये क्यों खड़े हो भाई इधर? अरे एक नंबर दिख रहा है. रियलिटी से तो बाहर निकल गए, और बाकी दूसरी रियलिटी वाली जगह भी देखते क्या है क्या सब चीज़ें. नहीं देखिए जो है इसमें आज का ये बताया गया कि आज के बच्चे इंस्टाग्राम, टू बी ऑनेस्ट दिस इज द एक जो क्या बताए, एक जो सोशल मैसेज दे रहा है कि आजकल के बच्चे जो है सोशल एडिक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पे एडिक्टेड रहते हैं, एज़ कम्पेयर टू रियल मीडिया या अपने आजू बाजू. दे आर यूज टू बी ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ है. क्या ही है ये? वही है भाई, क्रिकेट के बारे में बताया इसमें कि इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है, फूड कल्चर स्पाइसेस और क्रिकेट. तो क्रिकेट भी आया, क्रिकेट अपने संस्कृति से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे इन्होंने ये प्रोजेक्ट धागे से जुड़ाया हुआ है. सही बात है. तो ये बताना चाहते हैं कि क्रिकेट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे रेगुलर लाइफ में, और आगे देखते हैं क्या. इतनी हसीन माहौल है एंड यहाँ सब इतना इंटरेस्टिंग सा बना हुआ है, देखते हैं क्या हो रहा है क्या. लेट्स मेक अवर फर्स्ट स्कूल.
मतलब वो बना है और उसको फेविकॉल से उसमें अलग अलग जो डिजाइन है उसने फेविकॉल के यूज करके एडेसिव यूज करके उसने जो फेविकॉल जो ब्रांड है उसने ये सारे अलग अलग चीज से इस बॉक्स का स्ट्रक्चर बनाया। काफी अच्छा दिख रहा है, काफी सुंदर है, मतलब लोग खड़े रह सकते हैं उसके नीचे, फोटो खींच सकते हैं। ये जो निकला ये पीछे से पूरा घोड़े के अंदर से आ गए भाई, अपन भाई एंजॉय कर रहे हैं। ओह यस ब्रदर, क्या क्या एंजॉय किया? बहुत देखा यहाँ पर, बहुत देखने के लिए है। शेड्स ऑफ ब्लू के बारे में बताया गया है कि ब्लू एक कलर या शेड या रेफरेंस ही नहीं है, ब्लू एक एटीट्यूड इमोशन सेलिब्रेशन है। ब्लू इज एन एटीट्यूड, ब्लू इज एन इमोशन, ब्लू इज लिमिटलेस एंड ब्लू इज सेलिब्रेशन। सो यू नो, तो ये ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है, ये जितनी भी स्ट्रक्चर जो भी सामने दिख रहा है तो ये ब्लू कलर के अलग अलग शेड है, ब्लू ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है यार। तो अगर आज के बाद से आपको किसी ने बोल दिया ब्लू तो कुछ और मत समझना, यही समझ लेना है क्यों भाई, सही है नहीं? नाटी ब्लू यानी ब्लू, ब्लू यानी ब्लू, नथिंग एल्स इज ब्लू। क्या बताओ यार, काफ़ी इमोशनल है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हाउ वी कैच लुक, वी मस्ट प्लान टू सी रियल लाइफ यूजिंग ऑप्शन फार्मिंग। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? एक मछली को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जाल में अटकी हुई है, और ऐसे ही हम सब अपने लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे जिससे हमको निकलना है। सो लाइक एवरीवन इज ट्रैप्ड इनटू अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या किसी चीज़ का एक ट्रैप हमारे ऊपर आ जाता है, उसको ओवरकम करने के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू नो, इमेज एंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं एंड लोगों को, तो बस फोटो ही लेना। ओहो लेटर बॉक्स, कितने सालों बाद दिखाई दिख रहे हैं ऐसे लेटर बॉक्स। देखो क्या लगता है आजकल के जनरेशन लेटर बॉक्स यूज़ करती है नहीं, क्या भैया यूज़ करती है नहीं? काइंड ऑफ सरकारी यूज़ करती है, ये सब यूज़ करती है, नहीं करेगी इतना टाइम नहीं है। कभी आपने लेटर लिखा है किसी को? नहीं। बता दो यार, उस जमाने में तो पैदा नहीं हुए। अरे यार छुपा रहे हो, वैलेंटाइन डे है, मैसेज करते हैं। ये मतलब मैसेज वाली जनरेशन है, ये लेटर बॉक्स वाली जनरेशन नहीं है। तो लेट्स टेक इट आउट, एक दो तीन अलग अलग जितने भी टाइप के लेटर बॉक्स। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, राइट फ्रॉम द एज ऑफ मैथोलॉजी टू टेक्नोलॉजी द जर्नी ऑफ इंडिया पोस्ट हैज बीन एक्सट्रीमली एंथ्रेलिंग। In short, Indian Post is emotional beating through the service we give the people irrespective of caste, creed, color, sex and financial status. We even reach where WhatsApp and telephone fail. So this is one of the amazing thing कि postman अब उस जगह जाता है जहाँ WhatsApp भी नहीं जाता है, टेलीफोन भी नहीं जाती, वहाँ पर ये जो इंडियन क्या बोलेंगे इंडियन पोस्ट है वो पहुँच जाता है। Hi. कुछ कैसे हो? आदमी बात करता हूँ। चलो थैंक यू सो मच। सो दिस वॉज काफ़ी अमेजिंग था यार, इस फेस्टिवल में छोटे से लेकर बड़े से बड़ा हर कोई आया है ये फेस्टिवल में, सो दिस इज लाइक अमेजिंग थिंग। सो डोंट गो एनीवेयर एल्स, पार्ट टू बहुत ही जल्द आएगा, सो स्टे ट्यून। तब तक के वेट करो यार, पार्ट टू का बहुत जल्दी आएगा, और जल्दी से सब्सक्राइब मारो चलते चलते चर्चा चैनल को।